ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এ মজদুর ভুলেগা নহীঁ, কিসকে সংকট কে সময় মে গাঁও পর নমক ছিড়কনে কা কাম আপনে কিয়া। মিত্রো, মে আজ বঙ্গাল কি জনতা কো ইয়ে ভি কহনে আয়া হুঁ, ইয়েহি বঙ্গাল হ্যায় জো এক সময় পুরে দেশ কো রাস্তা দিখাতা থা। চাহে শিক্ষা ব্যবস্থা কি বাত হো, সমাজ সুধার কি বাত হো, ধার্মিক আন্দোলন হো, দেশ কো আজাদ করনে কি লড়াই লড়নি হো, দেশ কে কানুন কো व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा, जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा, जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरोद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है, जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे वो बंगाल को आज क्या हो गया है, जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है, गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन रह गया है, कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म संभाव के लिए सबसे उदार अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था, वो बंगाल को तुष्टिकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला के जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले ढाई दशक तक और अब दो एक दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये चार एस के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है? क्या राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है? क्या किसी की रैली न करने देना, किसी से बात, अब ममता जी अब क्या करोगी, चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी, रोड लोगे, रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे, ममता जी आप परिवर्तन को नहीं रोक सकते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी FIR लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया, ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दी की दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी हिंसा का कीचड़ जितना फैलाओगी भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है, बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है, आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती, बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। मित्रों, और कितना भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं रही, इतना भ्रष्टाचार कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊं, ढेर सारे भ्रष्टाचार के किस्से मेरे पास है, वो सब तो ठीक है मगर आप अम्फान तूफान और कोरोना में भी अगर भ्रष्टाचार करते हो तो मुझे लगता है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी चरमरा है, बीजेपी के सांसदों पर केस करते हैं, घर के अंदर बंद कर देते हैं, विधायकों को सेवा करने से आप रोक रहे हो, संपर्क करने से रोक रहे हो, ये लोग नहीं देख रहे क्या? हुबली, टोलीनापाड़ा, मालदा, वहां ऐसे संकट के काल में भी दंगे हुए हैं, बॉम्ब धमाके, घुसपैठ,
गाय तस्करी, नार्कोटिक्स की तस्करी, ये बंगाल के अंदर खुली छूट दे दी गई है। मित्रों, मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। और ममता दीदी के आर्थिक कुप्रबंधन ने बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। बंगाल जो सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटर होता था, वो आज बहुत पीछे पड़ गया है। बंगाल को आगे ले जाने के लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। आपने कम्युनिस्टों को इसलिए निकाला था कि बंगाल का विकास रुका था, मगर शायद आज बंगाल के बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे, इनसे तो कम्युनिस्ट भी अच्छे थे। आपने कम्युनिस्ट को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। ममता को मौका दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बार मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम सोनार बंगला बनाएंगे।